हाय मेरे प्यारे बच्चों, मैं आप लोग को परसेंटेज का प्रतिशतता का कुछ क्वेश्चन करा चुके हैं और अब आगे कुछ क्वेश्चन आपको जो कि अपने एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप ध्यान से देखते रहिएगा। और स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा है, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, ध्यान से देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है। क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है सी की आय बी की आय से 20% अधिक है। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से 25% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, क्या बोला गया है, सी की आय पूछा क्या गया है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है। चलिए तो ध्यान दीजिएगा, तीन बच्चे हैं, तीन लोग हैं ए बी सी। अब देखिए क्वेश्चन में आपको बस ये ध्यान देना है, लगाते समय हमेशा ध्यान दीजिएगा कि सौ किसको माना जाएगा, सौ किसको माना जाएगा, तो सौ उस पर्सन को सौ लिया जाएगा आपके क्वेश्चन के हिसाब से, जिससे जो अधिक है लास्ट में जिसका नाम रहे कि इससे इतना परसेंट अधिक है, इससे ये इतना परसेंट अधिक है, तो सौ उसके हिसाब से आप सौ मानेंगे। जैसे कहा गया सी की आय बी की आय से 20% अधिक है, सी की आय बी की आय से 20% अधिक है और बी की आय ए की आय से, तो अब ए को लास्ट में बोला गया कि ए की आय से बी अधिक कितना, तो ए को क्या माना जाए, सौ, ए को सौ माना जाएगा। चलिए ए को क्या माना जाएगा, सौ, ए की बी की आय ए की आय से 25% अधिक है तो ये कितना होगा, 125। बी की आय ए की आय से 25% अधिक है तथा सी की आय बी की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, 20%, तो इसका 20% निकाला जाएगा, इससे 20% ज्यादा आपका क्या हो जाएगा, सी का है, इसका 20% जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 12.5, इसका 10% कितना होगा, 12.5 और 20% करेंगे, 12.5 दुना करेंगे क्या होगा, 25, तो 25 इसमें ऐड किया जाए कितना हो जाएगा, 150। ध्यान दीजिएगा, इससे 25% अधिक ये और इससे 20% अधिक से, ठीक। अब ये बोला गया है क्वेश्चन में कि सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, सी की आय ए की आय से कितना प्रतिशत अधिक है, इसको लगाने की क्या जरूरत है, 100 से कितना ज्यादा, 50, तो कितना परसेंट ज्यादा, 50% अधिक है। सी की आय ए की आय से कितना परसेंट अधिक है बता सकते कि नहीं आप, 100 से कितना ज्यादा, 50, तो कितना अधिक है, 50%। चलिए आपको ऑप्शन मैच किया होगा, ऑप्शन बी आपका ऑप्शन दिया है क्वेश्चन पे, स्क्रीन पे आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन इसको रफ करें, अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिए, चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा क्या बोला जा रहा है अगले क्वेश्चन में, क्या बोला गया अगले क्वेश्चन, एक व्यक्ति जो अपनी आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है, क्या कहा जा रहा है, देखिए ध्यान से, एक व्यक्ति जो अपने आय का 66 सहित 2/3% खर्च करता है, वह प्रति माह 1200 रुपए बचाता है, तो उसका व्यय प्रति माह कितना होगा, क्या बताना है, खर्च बताना है, वह अपने आय का कितना खर्च करता है, उसका आय आपको पता नहीं है, आय पता नहीं है, आय जो आय होगा कुल होगा कि नहीं, उसका कितना परसेंट खर्च करता है, 66 सहित 2/3%, 66 सहित 2/3%। अब इसको अगर फ्रैक्शनल बना लिया जाए, जब फ्रैक्शनल बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे, तो ये आपका क्या होगा, 2/3, 2/3 के बराबर होगा, ठीक। तीन आपका 100 है, तीन आपका अगर 100% है, तो इसका ये दो कितना परसेंट, 66 सहित 2/3%, समझ आ गया होगा। चलिए तो अपने आय का वो कितना खर्च करता है, इतना खर्च करता है, 2/3,
अब उसका कुल आय कितना हो जाएगा 3। उसका ये जो 100% आप कहेंगे तो आय होगा, कुल इनकम उसका 3 यूनिट होगा, 3 यूनिट, यूनिट ले लिया जा 3 यूनिट होगा, समझिएगा। कोई भी अगर वो नहीं दिया तो उसको यूनिट मान लिया जाता है, तो 3 यूनिट उसका टोटल आय है, उसमें से 2 यूनिट खर्च करता है, 2 यूनिट क्या करता है, खर्च करता है, 2 रुपया 3 रुपए में से 2 रुपया खर्च करता है और 1 यूनिट बचाता है, 1 रुपया आपका बचत करता है, रुपया में 1 बचत करता है, सॉरी 1 यूनिट बचत करता है और रुपया में कितना बचत करता है 1200 रुपए, 1200 रुपए 1 = 1200 रुपए है, तो पूछा क्या है खर्च कितना करता है, तो 12 × 24, 2 × 1200, 2400 रुपए उसका क्या है व्यय है, खर्च है, समझ जाएगा ना। आपका 3 जो है, इसको जब फ्रैक्शनल बनाएंगे तो आपका होगा 2/3, 3 आपका कुल क्या है आय है, 3 यूनिट आय है, उसमें से 2 यूनिट खर्च कर दिया, 2 रुपए खर्च कर दिया, यही बताना है कितना खर्च किया और बचत कितना किया। जब 3 में से 2 रुपए खर्च करेगा तो 1 रुपया बचेगा, तो 1 यूनिट खर्च करता है बराबर 1200 के, तो 2 यूनिट बराबर व्यय कितना खर्च करता है 12 × 24। अगर ये पूछा जाए उसका यूनिट, उसका आय कितना है, इनकम क्या है, तो 3 × 1200, 1200 × 3 = 3600 रुपए, 3600 रुपए उसका टोटल क्या है इनकम है, 3600 में से 1200 रुपए क्या करता है बचाता है, इसका 2/3 खर्च करता है, तो इसका 2/3 कितना 24, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन रफ करें इसको, बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान सवाल है और ऐसा सवाल आपका रेलवे में बहुत इंपॉर्टेंट है, रेलवे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे ग्रुप डी हो या एनटीपीसी, ठीक है, तो ध्यान से देखते रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर दिख रहा होगा, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, 1000 का, चलिए इस क्वेश्चन आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे दिखा होगा, क्या बोला है 1000 का 25%, 1000 का 25% कितना होगा उसका, 1000 रुपए का 25% का 1% का 1%, 25% का 25/100 का 1% का 1%, यही तो होगा, यही तो पूछा गया है, उससे नहीं बोला गया ना, 1000 का 25% का 1% का 1% क्या होगा, 2 बार 1% निकालना है। चलिए तो क्या हो जाएगा आपका, 00 से 00 कैंसिल आउट, 10 से 10 कैंसिल आउट, 25 × 100 ये क्या हो जाएगा 1/40, 1/40 को आप क्या लिख सकते हैं, 1/40 को आप क्या लिख सकते हैं, 100 में 40 से जब भाग किया जाएगा तो क्या होगा, इसको दशमलव में जोड़ सकते हैं, 0.025। चलिए ऑप्शन देखिए कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, ऑप्शन देखिएगा कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन ए कौन सा सही है, ऑप्शन ए सही है ना, क्या होगा आप फार्म देकर डिवाइड करके देख लीजिएगा, आपका इतना ही आएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन इसको रब करें, अगला क्वेश्चन आपका देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, यदि x − y का 50% = x + y का 30% है तो x का कितना प्रतिशत y है। देखिए चलिए क्वेश्चन आप फिट कर लिए होंगे, चलिए ठीक है, x माइनस y का 50%
बराबर एक्स प्लस वाई का 30%, एक्स माइनस वाई का 50% बराबर एक्स प्लस वाई का 30% है। तो एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, देखिए एक्स का कितना प्रतिशत वाई है, यही तो निकालना है एक्स का ये कितना प्रतिशत वाई है। चलिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा, ये आपका क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, सॉरी आप सीधे क्या करेंगे 50/100 से 100 को कैंसिल आउट, 0 को 0 से कैंसिल आउट। ठीक, अब ये क्या करेंगे मल्टीप्लाई किया जाए तो 5x-5y बराबर 3x+3y, एक्स को एक साइड कर दिया जाए वाई को एक साइड कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा इधर 5x-3x बराबर वाई इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा इस साइड जब वाई को करेंगे 5y को तो 5y ये साइन क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा ना, तो 5y+3y बराबर 8y कितना हो जाएगा 2x बराबर 8y तो x अपॉन y बराबर 4/1 होगा कि नहीं होगा, y इस साइड आएगा तो x अपॉन y बराबर 4/1 4/1। अब देखिए अब पूछा गया है कि yx का कितना परसेंट, yx का कितना परसेंट, तो y का मान कितना है 1, x का मान कितना है 4, परसेंटेज निकालने के लिए क्या करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना परसेंट आएगा 25% आएगा नहीं आएगा, कितना होगा 25%। देखिए ऑप्शन मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, 25% आपको ऑप्शन में क्या दिया है, ऑप्शन में ए 25% कहां है, सही है ना। चलिए रफ करें, समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा सवाल था, बस कंसेप्ट आप दिमाग में बैठाए रहे, परसेंटेज बहुत बड़ा चैप्टर है, घबराने की कोई बात नहीं है, हर क्वेश्चन को टच करेंगे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, दिया है कि ए की आय की 10% बराबर बी की आय का 15% बराबर सी की आय के 20% है, यदि उनके आय का कुल योग 7800 रुपए है, 7800 रुपए है तो बी की आय क्या होगी। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में आपको क्या कहा गया है ध्यान से देखिएगा, ए की आय की 10%, चलिए ए की आय का 10% बराबर बी के आय का 15% बराबर सी के आय का 20% है, तीनों का परसेंटेज दिया है, तीनों आपस में क्या है बराबर है, उनकी कुल आय का योग दिया 7800, टोटल योग कितना है 7800 रुपए, ठीक टोटल योग 7800 रुपए है तो बी की आय बताना है, बी का आय क्या होगा, बी का आय बताना है, तो पहले इसका क्या निकाल दिया जाए रेशियो अनुपात बना लिया जाए, इसको रेशियो जब तक नहीं बनेगा, देखिए पूरा परसेंटेज और रेशियो का कमाल है, परसेंटेज में जो भी क्वेश्चन आप रेशियो बनाए करेंगे आसानी से लगेगा, अर्थमेटिक लगभग आपका 95% रेशियो से लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए क्या हो जाएगा 1/10, 3/20, 1/5, 20, 100 कितना होगा a अपॉन 10, 3b/20, c/5। देखिए आपस में इसको कट कर सकते क्या, 5 × 5, 5 × 20, 5 × 10, अब क्या हो जाएगा a अपॉन 2, 3b/4, c/1, c/1
बराबर एक कर दिया जाए कोई दिक्कत, ये तीनों क्या है एक के बराबर है। अब यहां से रेशियो बन जाएगा ना a अपॉन टू बराबर एक, तो a का मान कितना होगा दो, रेशियो थ्री बी अपॉन फोर, तो b का मान कितना होगा चार बटे तीन, रेशियो c कितना हो जाएगा वन। अब ये तीन जो है भी हमेशा रेशियो हो, कभी भी भिन्न में नहीं होता है, ध्यान दीजिएगा। तो तीन से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तीनों में तो भिन्न हट जाएगा कि नहीं, जो डिनोमिनेटर दिया है इसको क्या हटाने क्या करेंगे, जितना है अगर एक में दिया था तो तीनों क्या करेंगे इसको हटाने के लिए तीनों में तीन से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक, सिक्स फोर थ्री, ठीक एक्स वैल्यू रख दिया जाएगा, एक्स के मान अब क्या करेंगे तीनों का योग दिया, ये क्या दिया तीनों का योग, अब एक्स का मान निकाल के बी का पूछा है बी का इनकम क्या है, तो तीनों का योग कितना हो जाएगा छह चार दस तेरह, योग क्या होगा तीनों का योग कितना हो जाएगा तेरह एक्स, तेरह एक्स बराबर अठहत्तर सौ। ये तीनों योग दिया है मतलब ये तीनों जो आपका रेशियो बना है ना उसी का क्या है योग दिया है, तो क्या करेंगे तेरह एक्स बराबर अठहत्तर सौ, तो एक्स बराबर कितना होगा तेरह छह अठहत्तर छह सौ, एक्स का मान आप कितना निकाल लिए छह सौ, अब पूछा है कि बी का इनकम क्या है बी का है, तो रेशियो में ध्यान दीजिएगा, रेशियो में जो एक्स का मान निकला है जो रेशियो दिया है बी का यही होगा ना, तो इसमें क्या करेंगे ये एक्स का मान यहां पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा फोर इंटू सिक्स हंड्रेड चौका ट्वेंटी फोर आ गया चौबीस सौ रुपए, बी का इनकम क्या निकल गया चौबीस सौ रुपए, अगर पूछा जाए ए का इनकम तो क्या हो जाएगा छत्तीस सौ, अगर सी का पूछा तो क्या हो जाएगा अठारह सौ छत्तीस छत्तीस सौ चौबीस सौ अठारह सौ जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा कुल योग कितना अठारह सौ रुपए, समझ आ गया होगा ना। चलिए अगला क्वेश्चन इसको रफ करें, अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, चलिए अगला क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है, टीम ने 40 खेल खेले समझेगा, एक टीम ने 40 खेल खेले और उनमें से 24 जीते, जैसे मान लिया जाए जो कॉमनवेल्थ गेम होता है ना उसमें कई प्रकार के गेम होता है कई प्रकार का खेल होता है, तो उसमें 40 खेल वो सब खेले और उसमें से 24 जीते, तो पूछा है कि उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत, देखिए क्वेश्चन समझ आ गया होगा, 40 खेल खेले टोटल गेम 40 है, इसमें से विनर कितने पे हुए विनर 24 में विनर 24 खेल क्या है जीते, तो हारे कितना 16 हारे कितना 16, तो क्या बोला गया है क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि इसके द्वारा उस टीम द्वारा जीते हुए खेलों का प्रतिशत आसान है, कितना जीते 24 किसमें से 40 में से, तो 24 बटा हमेशा ध्यान दीजिएगा टोटल जो हमेशा कहां होता है डिनोमिनेटर में नीचे, इसमें से जितना जीता कितना जीता 24 24 जीता ना, तो 40 का 24 कितना परसेंट, तो मल्टीप्लाई करें किससे 100 से 0 24 60% कितना परसेंट खेल गेम जीते 60%, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है, 90 रुपए का 83 से 1/3 प्रतिशत कितने रुपए के 60% के बराबर है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है, 90 रुपए के
ध्यान दीजिएगा, 90 रुपए का 83 सही। अब देखिए 83 सही 1/3 83 पूर्णांक 1/3%। अगर इसको हम फ्रैक्शन बनाएंगे, भिन्न बनाएंगे तो क्या बनेगा, 6/5 सॉरी 5/6। देखिए कैसे 83 224 सॉरी कितना हो जाए 250 जीरो से जीरो कैंसिल, 5/25 5/30 5/6 जो 6 है आपका, ये आपका क्या है 100%, इसका 5 कितना परसेंट, 83 सही 1/3%। तो भिन्न अगर आपको फ्रैक्शनल जो याद होगा, अगर आप याद कर लिए होंगे तो आपका क्या हो जाएगा 5/6 सीधा आपका कीजिए 90 का 5/6 लिखेंगे। उसके बाद आगे क्या बोला गया है कि इसका 90 का 83 सही 1/3% कितने रुपए के 60% बराबर है, तो कितना रुपया एक्स रुपया, इसका 60% आपका क्या हो जाएगा फ्रैक्शन 60/100 करेंगे कितना आएगा 3/60/100 3/5 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 60/100 आप करेंगे तो आ जाएगा 3/5। चलिए अब क्या किया जाए, इसको क्या करेंगे 15 × 6 = 90 15 × 5 = 75 तीन से कट जाएगा 5 × 3 = 15 5 = 25 और 25 × 5 = 125 125 रुपया का 60% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 75 रुपया होगा कि नहीं। जैसे अगर 90 का 5/6 निकालेंगे तो 15 × 6 = 90 15 × 5 = 75 75 रुपया और 125 रुपए का जब आप 60% निकालेंगे तो भी क्या हो जाएगा 75 रुपए होगा कि नहीं। क्या पूछा गया है कि कितने रुपए के बराबर होगा, तो जितना रुपया है उसका परसेंटेज निकाल के और एक्स का कितना रुपए का पूछा गया उसका अगर परसेंटेज निकाल देंगे, बराबर करेंगे दोनों को तो आप आ जाए कितना 125 रुपए। समझ आ गया होगा, चलिए ग्राफ करें। अगला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे देखिए, स्क्रीन पे दिख रहा है अगला क्वेश्चन क्या बोला गया है। अगला क्वेश्चन देखिए, 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 36 मिनट एक दिन का कितना परसेंट है, ऑप्शन आप देखते रहिएगा, ऑप्शन में आपको क्या दिया है ऑप्शन देखते चलेंगे। 36 मिनट ये 36 जो मिनट है एक दिन का कितना परसेंट, यही तो बोला गया है कितना परसेंट है, एक दिन में कई घंटा 24 घंटा, ये क्या दिया है 36 मिनट, तो 36 कहां रखा जाएगा न्यूमिनेटर में, 36 मिनट है और ये घंटे में, तो इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे 60 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिनट हो गया एवरी मिनट, अब उसका तो परसेंटेज निकल जाएगा ना कि इतने का ये कितना परसेंट, अब परसेंटेज निकालने के लिए क्या किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, क्या हो जाएगा 6 × 6 = 36 10 × 6 = 60 6 × 6 = 24 जीरो से जीरो कट जाएगा 1/10/4 4 × 8 = 4 × 5 = 20 2.5% क्या है, ये 36 मिनट है किसका एक दिन का 36 मिनट का ही परसेंट 2.5%। तो समझ में आ गया होगा, चलिए अगर ये वीडियो अच्छा लगे, अगर समझ में आए तो इसको ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखना ना भूलें, देखते रहें हमेशा।